नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्योहार टोटके। कन्या राशि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आ चुके हैं और वो 18 मई 2025 तक आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे, क्योंकि पांच लकी राशियों में एक कन्या राशि भी है जिन पर गुरु की कृपा पूरे साल बरसेगी। देखिए, बृहस्पति शनि से केंद्र में होंगे जब वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अष्टम भाव में मंगल राहु केतु के बीच में होंगे और सूर्य शनि का संबंध भी इस परिवर्तन के समय बना हुआ है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो जो कन्या वाले हैं उनके लिए धन का वरदान देते नजर आएंगे देवगुरु। देखिए, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि जो वृषभ है इसमें देवगुरु का आना आपको बहुत कुछ देने वाला है। देखिए, एक तरफ जहाँ डर की स्थिति है वहीं चल अचल संपत्ति का लाभ भी देगा। तो कन्या राशि तथा कन्या लग्न वाले लोगों के लिए बृहस्पति सुख और दाम्पत्य जीवन के कारक होकर भाग्य भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अपना मकान वाहन का सुख बढ़ाते दिखेंगे गुरु। माँ का सपोर्ट और साथ मिलेगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप रियल इस्टेट, वाहन, कंस्ट्रक्शन कार्य से जुड़े हैं तब आपको ज़्यादा लाभ होने की संभावना बनेगी। वैसे तो चल अचल संपत्ति का लाभ भी होगा। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध में सकारात्मक सुधार हैं और जीवन साथी से लाभ की स्थिति भी बनती दिखेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता है, पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो लाभ की स्थिति है। और इस समय अगर आप सिंगल हैं तो नया प्रेम आरंभ हो सकता है, लेकिन पहले से किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। हालांकि विवाह होने की प्रबल संभावना रहेगी इन 13 महीने के अंदर। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि कन्या राशि लग्न भाव पर है तो मनोबल बढ़ेगा। अब लग्न प्रथम भाव जो होता है आपका शरीर भी होता है तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका मानसिक स्थिति बहुत अच्छा रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा, आपका व्यक्तित्व बढ़िया होगा और इस समय मानसिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी। तो बुद्धि बल के आधार पर कार्यों को पूरा आप करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो सकारात्मक सुधार है और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि यानी कि तृतीय भाव पर है तो क्या होगा ना, पराक्रम बढ़ेगा, समाज में पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, सामाजिक दायरे बढ़ेंगे, कार्य शक्ति की वृद्धि होगी, भाई बहन मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी वक्त अनुकूल है, लेकिन मन में थोड़ी सी डर हो सकती है तो कार्य को पूरा करने के पूर्व विचार में वृद्धि होगी। आप बहुत सारे जैसे कार्य को पूरा करने के लिए बहुत सारे आप ताने बाने बुनेंगे और वो आगे भी ले जाएगा आपको। वैसे स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का भी अवसर मिलेगा, बिल्कुल बिंदास। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि मकर राशि यानी पंचम भाव पर है तो क्या होगा, जो विद्यार्थी हैं सकारात्मक परिवर्तन आएगा, आप बड़ी डिग्री ले सकते हैं, डिग्री लेने के लिए बढ़िया है। लेखन कार्य से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और पढ़ाई लिखाई पर फोकस होने के साथ नौकरी प्राप्ति के योग है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे शुभ समाचार मिलेंगे, संतान की प्रगति से आप प्रसन्न हैं। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म मीडिया ग्लैमर से जुड़े हैं तो भी प्रगति होने की संभावना है। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको दे रहे हैं धन का लाभ, करियर में सफलता और ईश्वर की कृपा भी बरसेगी। तो चतुर्थ और सप्तम भाव यानी दो केंद्र भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके भाग्य स्थान में हैं। तो धर्म, धार्मिक प्रवृत्ति और गुरु को देखा जाने वाले भाव, प्रथम भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव पर दृष्टि और आपके जीवन में खुशियाँ। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।